यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मुक्ति फाउंडेशन ने आज तक बहुत ही महिला सक्षमीकरण के काम किए हैं। मैं हिंदी में इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि अनुषा ने ऑलरेडी बहुत कुछ बोल चुके हैं कि वुमेंस डे के इम्पोर्टेंस क्या है और एवरी वुमेन बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने समझाया है। मैं यही चाहती हूँ कि मुक्ति फाउंडेशन के तहत हमने जो भी महिलाओं को लेके जितने भी कार्यक्रम किए हैं तो उनको हमने सिर्फ एम्पावरमेंट के हिसाब से हमने प्लेटफॉर्म दिए हैं। हमने काफ़ी औरतों को इकट्ठा करके उनको मार्शल आर्ट सिखाया है और उनको हमने रेलवेज में ड्यूटी दी है, उनको यूनिफॉर्म दे दिए, बैटल दिया है, पेपर स्प्रे दिए हैं, तो सेमिनार्स किए हैं, वर्कशॉप्स किए हैं, अंडर प्रिविलेज जो भी अंडर एज औरतें होती है जो घर में उनको काम नहीं कर सकती है तो बाहर आके हम उनको एम्पावरमेंट देते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे कार्यक्रम हम करना चाहते हैं और ज़्यादातर मैं यही सोचती हूँ कि मैं एक महिला हूँ, मैंने काफ़ी कुछ कठिनाइयाँ यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ झेला है और आई एम श्योर कि हर एक महिला के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी कठिनाइयाँ आई होगी पर उसको पार करने की शक्ति भी उन्हीं के अंदर है। तो जैसे अनुषा ने कहा कि हमारे अंदर एक अंदरूनी शक्ति है, उसे सिर्फ हमको टटोलना है, उसको बाहर निकालना है और जो जांच या समाज में जो कोई गलत कर रहा है वो भले अपने घर का इंसान हो, बाहर का इंसान हो, हमें उतनी शक्ति चाहिए कि हम उसका सामना करें। हम यही वो कहना चाहते हैं ना, हम यहाँ वुमेन वर्सेस मैन ऐसी कोई झगड़ना नहीं चाहते पर हम यही कहना चाहते हैं कि पुराने ज़माने में होता था कि अरे लड़की पैदा हुई है, लड़का जो भी है, मैंने काफ़ी सारी फैमिलीज ऐसे देखी है कि बच्चे को खाना ज़्यादा अच्छा निकालना है, लड़की को थोड़ा नींबू कल का खा ले, यू नो ऑल दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच रियली अफेक्ट्स व्हेन वी रेज, व्हेन वी सी रेजिंग अप आवर सेल्फ। बट मेरे ख्याल से अभी काफ़ी कुछ बदल हो चुका है, हर क्षेत्र में महिला ये काम हम नहीं कर सकते ऐसा नहीं हुआ है, बहुत सारे और फील्ड्स हैं जहाँ महिलाओं ने अपना अपने मुकाम कायम किया है और मेरे ख्याल से वुमेंस डे जैसे अनुषा ने कहा है कि एक दिन नहीं होना चाहिए, हर दिन कुछ ना कुछ हमारी महिलाओं को एक सुबह में उठ के ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आज मैं ये करूँगी या कि मैं आज दो महिलाओं को या दो लड़कियों को शिक्षित करूँगी। Education is the power, is the foundation of that empowerment which I believe. I think this is more than enough what I think every person is beautiful over here. Beautiful I mean to say it is inside beauty which I believe in and every woman I learn up till now, whoever I've met in my life, I've been learning from them every day and each one should have I think ability to learn from any woman who is surrounded you or who is surrounded you. And I think I believe that every woman is powerful. They just have to touch their heart and see their soul that how to achieve it. Thank you so much. And I'm really thankful to all of my celebrities, all my beautiful friends over here to take out their important time, their precious time and to be here to give little inspiration talk to all my friends over here. Thank you so much.